ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष की जानकारी के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज ज्योतिष में विचार करेंगे तीन ग्रहों की युति, गुरु, चंद्र और राहु। जब जन्मपत्री में किसी एक भाव में, किसी एक राशि में ये तीनों ग्रह इकट्ठे होते हैं तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस विषय के ऊपर विचार करेंगे। राहु के साथ जब गुरु होता है तो गुरु चुप रहता है किंतु गुम नहीं होता। भाव 12 में इस युति का अशुभ प्रभाव रहेगा, जातक को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, खर्च भी अधिक रहेगा और आमदनी भी कम होगी। बाकी घरों में इस युति का प्रभाव राहु के प्रभाव से पुरुषों, माता व पत्नी का सुख जो है वो कम होगा। 12वें भाव में तो मंदे फल मिलेंगे ही, किंतु अन्य भावों में इतने ज्यादा मंदे फल नहीं मिलेंगे, कुछ ही विचारणीय विषयों के ऊपर मंदा असर होगा। राहु के प्रभाव से चंद्र और गुरु मंदे होकर पुरुषों तथा माता व पत्नी का सुख जातक को कम हो जाएगा। माता से किसी प्रकार की दूरी रह सकती है, मन मुटाव रह सकता है। जब माता की सेहत ठीक नहीं रहेगी, माता के सुख में कमी संभव है। और शुक्र का प्रभाव भी इससे कुछ मंदा हो जाता है। इस युति से पत्नी के सुख में कमी आती है, विलंब से विवाह की संभावना रहती है। पत्नी की सेहत ठीक नहीं रहेगी या पत्नी से दूरी रह सकती है। शुक्र का फल भी यहाँ कुछ मंदा हो जाता है इस युति के प्रभाव में। और गुरु और चंद्र से जिन विषयों का विचार किया जा सकता है या किया जाता है, उन सुखों का फल जो है वो मंदा हो जाएगा। और गुरु और चंद्र का प्रभाव जो है वो कुछ हल्का व मंदा हो जाएगा, मंदा असर रहेगा। चंद्रमा से मन की शांति कम होती है। अगर चंद्रमा मंदा हो तो मानसिक परेशानी रहती है, और गुरु जब मंदा होता है तो श्वास संबंधी दिक्कतें आती हैं, बुजुर्गों को परेशानी होती है, बुजुर्गों से दूर रहना पड़ता है। तो ये सब प्रभाव रहेंगे गुरु, चंद्र और राहु के। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। यह है गुरु, चंद्र और राहु की युति का प्रभाव। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की ज्योतिष संबंधी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।